हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एक्सरसाइज टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट के लिए हेल्पफुल है या नहीं। डायबिटीज़ बेसिकली एक क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें हमारे पैनक्रियाज या तो ठीक से काम नहीं करते या तो वो इंसुलिन बनाते हैं और हमारी बॉडी उसे ठीक से यूज़ नहीं कर पाती, या फिर हमारी बॉडी इंसुलिन को ठीक से बना ही नहीं पाती। सो इंसुलिन क्या है? ये एक तरीके का हार्मोन है जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। बात करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया एक टर्म होती है जिसका मतलब होता है बढ़ा हुआ ब्लड शुगर। ये सबसे कॉमन सिम्टम है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का। जब काफ़ी लंबे समय तक अगर आपका अनकंट्रोल्ड शुगर है तो ये आपके बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को भी सीवियरली डैमेज कर सकता है, स्पेशली बॉडी के नर्व्स और आपके ब्लड वेसल्स। तो आइए जानते हैं ब्लड शुगर और एक्सरसाइज का क्या लिंक है। आप कितने फिजिकली एक्टिव है ये आपके ब्लड शुगर को वेरी करता है। फिजिकल एक्टिविटी हमारे ब्लड शुगर को कम करने में काम करते रहती है एटलीस्ट 24 आवर्स तक या उससे भी ज़्यादा, अगर आप वर्कआउट करके अपने बॉडी को सेंसिटिव बनाते हैं इंसुलिन हार्मोन के तरफ। अब ये जानने के लिए कि क्या एक्सरसाइज आपके ब्लड शुगर पे कोई रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लड शुगर को चेक करना है। एक एक्सरसाइज करने के पहले आप चेक करें, फिर एक्सरसाइज फिनिश करने के बाद आप टेस्ट करें ताकि आप डिफरेंस देख पाए। तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या सच में जो एक्सरसाइज आप करते हैं उसका कोई बेनिफिट या फ़र्क पड़ता है या नहीं। अगर डिफरेंस आता है इसका मतलब कि एक्सरसाइज करने से आपके ब्लड शुगर जो है वो मैनेज हो रहे हैं, और इस चीज़ को आप ब्लड शुगर बिफोर एंड आफ्टर लेके एक ट्रैक रखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आपको एक्सरसाइज बढ़ानी है या घटानी है। कुछ रिसर्च को रेफर करके हमने ये पता किया है कि एक्सरसाइज HbA1c लेवल्स को 0.7% तक कम करता है। ये स्टडी डिफरेंट पॉपुलेशन में की गई थी और वो लोग डिफरेंट मेडिकेशंस फॉलो कर रहे थे, वेरियस तरीके के डाइट फॉलो कर रहे थे। ऑल्दो मेजर वेट लॉस नहीं देखा गया लेकिन HbA1c लेवल्स में 0.7% का डिफरेंस देखा गया था। चाहे आप किसी भी फॉर्म की एक्टिविटी करते हो, वो एरोबिक हो, रेजिस्टेंस हो या आप कंबाइंड ट्रेनिंग करते हो, वो इक्वली हेल्पफुल रहता है आपके HbA1c वैल्यू को कम करने के लिए। तो जो डायबिटिक पेशेंट है वो हफ्ते में 2 घंटे वॉकिंग भी अगर करते हैं 2 आवर्स पर वीक तो उनके जो हार्ट डिजीज़ के चांसेस है वो बिल्कुल सेडेंटरी लोगों से काफ़ी कम होते हैं। और वैसे डायबिटिक पेशेंट जो 3 से 4 घंटे पर वीक एक्सरसाइज में बिताते हैं उनका रिस्क और भी ज़्यादा कम होता है। फ्रेंड्स, अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है और आपका ब्लड शुगर शाम के तरफ अगर बढ़ता है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने ब्रेकफास्ट करने से पहले मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व हो जाइए तो आप ये देखेंगे कि शाम के समय जो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते थे वो कंट्रोल में रहेंगे। काफ़ी रिसर्च इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा गया है ब्लड ग्लूकोज में अगर हम ब्रेकफास्ट से 1 घंटे पहले एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपके फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया को काफ़ी हद तक कंट्रोल रखता है। एक डायबिटिक के पेशेंट को काफ़ी लंबे समय तक एक पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप कोशिश कीजिए हर आधे घंटे में थोड़ा सा आप चल लीजिए या उठ बैठ लीजिए या कोई एक्टिविटी कीजिए जिसमें 1-2 मिनट आपने कुछ काम किया जिसमें चलना फिरना, झुकना, सीधा होना इन्वॉल्व है। इस तरीके की अगर आप एक्टिविटी करते हैं आधे घंटे में तो लगातार बैठे रहने से भी ब्लड शुगर लेवल्स हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ जाते हैं। अब अगर हम टाइम की बात करें तो आइडियल टाइम एक्सरसाइज का एक डायबिटिक पेशेंट के लिए 1 से 3 घंटे बाद, यानी कि अगर आपने मील लिया है, ऐसा मील लिया है जो हैवी है, तो 3 घंटे का गैप आप रख सकते हैं। अगर कुछ लाइट मील लिया है जैसे फ्रूट्स या ओट्स आपने लिया है या बहुत हल्का फुल्का लिया है जिसमें कुछ फ्राइड या काफ़ी ऑयली ना हो, तो आप 1 to 1.5 आवर्स के बाद भी वर्कआउट कर सकते हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने के पहले अपना ब्लड शुगर नोट डाउन करें, और अगर वो 100 mg पर डेसी लीटर के नीचे हैं, अब आपके एक्सरसाइज करने से पहले
तो आप ज़रूर कोई हेल्दी स्नैक को खा लें एक्सरसाइज शुरू करने के पहले, जो एटलीस्ट आपको आधे घंटे पहले लेना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप हाइपोग्लाइसीमिया से बच सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब एकदम से शुगर कम हो जाना। बहुत बार क्या होता है कि कभी कभार आपका नियर टू नॉर्मल लेवल होते हैं और आप इंसुलिन लेते हैं तो ये एकदम से आपके ब्लड शुगर को ड्रॉप कर सकता है, जब आप एक्सरसाइज के साथ कंबाइन करते हैं। तो देखा जाए, एक इंसुलिन शॉर्ट पेशेंट है और उसने एक्सरसाइज शुरू कर दी तो चांसेस है कि एकदम से शुगर नीचे आ सकता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट को अपना ब्लड का पहले टेस्ट लेना है, देखना है कि कितना है ब्लड शुगर, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। अगर 100 के आसपास है तो एक स्नैक आप लेंगे 30 मिनट्स बिफोर, जैसे कि फ्रूट, ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर के साथ आप ले सकते हैं। फिर उसके आधे घंटे बाद आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आप सडन लो ब्लड शुगर के अटैक से आप बच सकते हैं। जिन लोगों का अगर ब्लड शुगर 250 mg/dL से ज़्यादा है, तो कई बार डॉक्टर आपको कॉशन भी करते हैं कि 250 mg से अगर आपका ब्लड शुगर ज़्यादा है तो भी आप एक्सरसाइज डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें, एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सरसाइज ब्लड शुगर बढ़ा भी देती है, बट बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या एक्सरसाइज सच में हेल्पफुल होती है या नहीं होती। तो बिल्कुल हेल्पफुल होती है एक डायबिटिक पेशेंट को अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज वैसे सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बट यस, हमारा आज का मोटिव ये था कि हम ये जानें किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप डायबिटिक है तो मेनली आपको ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करनी है और उसके लेवल के बेसिस पे आपको स्नैक लेना है एक्सरसाइज के पहले। और अगर आपने कोई हैवी मील लिया है तो उससे 1 से 3, 2.5 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, और आप टाइमली ब्लड शुगर चेक करते रहे। और अगर ये देखना है कि कितने का डिफरेंस आता है तो एक चेक आप शुगर लेवल एक्सरसाइज के पहले और एक चेक ब्लड शुगर का एक्सरसाइज के बाद आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप अपने मोटिवेशन को बनाए रखिए, एक्सरसाइज आप कंसिस्टेंटली कीजिए। ये नहीं सोचिए कि आपने एक दिन किया या एक वीक किया, ऐसा नहीं होता। कोई भी काम आप साल भर करें या आप इसको एक लाइफस्टाइल समझिए, जैसे आप हमेशा खाना खाते हैं तो आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आपने 1 मंथ या 3 मंथ का कुछ प्लान ले लिया तो उतने दिन ही आप एक्सरसाइज करेंगे। ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा होना है जो आप डेली करते हैं। आप इसको अपने रूटीन में इंक्लूड करें, और अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहेंगे एक हेल्दी डाइट के साथ, तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग डायबिटीज़ की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, और कई लोगों ने अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को ठीक भी किया है। उनके पैनक्रियास फिर से इंसुलिन प्रॉपरली प्रोड्यूस करते हैं, उनके सेल्स जो है वो इंसुलिन हार्मोन को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। तो ये सब तभी पॉसिबल होता है जब आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं और उसके साथ आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी बॉडी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सही काम करने लग जाती है। और कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है आपको कि 1 महीने में आप कर ले या 3 महीने में कर ले। इट्स लाइक कि आपको लाइफस्टाइल बनानी है। जैसे आप बचपन से खाना खाते आ रहे हो और अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम हुई है तो वो 1 या 3 महीने में नहीं होती, काफ़ी समय से अगर आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है तो आपको ये प्रॉब्लम होती है शुगर की या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो जब आपने इतना समय लिया है और तब जाके वो प्रॉब्लम आई है, तो हड़बड़ी में ठीक करने का अप्रोच रखना ठीक नहीं है। आप समय लीजिए, आपको जितना समय लगता है, इट्स नॉट समय लेना। आपको ये सोचना है कि आपको हमेशा करना है, यू हैव टू फॉलो हेल्दी डाइट ऑलवेज, आई हैव टू एक्सरसाइज रेगुलरली। जैसे हम डेली ब्रश करते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, तो वैसे ही हमें एक्सरसाइज भी करना है। इट्स जस्ट लाइक जैसे आप सांस लेते हो, सांस लेना ज़रूरी है, वैसे एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी भी हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।